हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिएक्सियली लोडेड कॉलम। जैसे हमारा नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि यूनी मतलब सिंगल, एक्सियल मतलब एक्सिस पर लोड लगेगा और हम देख रहे हैं सेक्शन कॉलम। तो आपके पास ये दो सेक्शन का फिगर बना हुआ है, आइए हम इसमें समझते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है। ये जो आपको पॉइंट यहाँ पे जो आपको डिनोट हो रहा है, ये आपका क्या है, लोडेड कॉलम है। यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एस एक्सिस से थोड़े से डिस्टेंस पे हो रहा है। तो इसके सेंट्रिसिटी क्या है, ई एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक सिंगल मोमेंट जनरेट होगा। उसी तरह इस केस में भी क्या है, सेंटर पे न लग करके ये आपका क्या हो रहा है, सेंटर से थोड़ा सा ई डिस्टेंस पर लग रहा है। सेंट्रिसिटी इसकी क्या है, ई वाई। तो इस टाइप के जो कॉलम पे जो लोड आ रहा है, ये लोड को ही हम बोलते हैं यूनिएक्सियली लोडेड कॉलम। थ्योरी से हम समझते हैं यूनिएक्सियली बेंडिंग। इन दिस बेंडिंग टेक्स प्लेस ओनली अबाउट वन एक्सिस। मतलब क्या है, ये जो बेंडिंग है वो ओनली वन प्लेस में क्या करेगा, आपका एक्सिस में लेगा बेंडिंग। सो वन साइड विल बी इन टेंशन, एक साइड आपका टेंशन होगा, एंड अदर साइड विल बी इन कंप्रेशन। तो आपका अदर साइड जो होगा वो कंप्रेशन होगा। तो इस तरह आपका एक कॉलम का सेक्शन होगा, ये आपका एक एक्सिस गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टील, यहाँ पे आपका स्टील बार आपने प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिस डिस्टेंस पे ये लगेगा वहाँ से आपका एक मोमेंट क्रिएट होगा। तो ये उसका पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं डिज़ाइन स्टेप फॉर कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग। मतलब एक्सियल लोड लगेगा और यूनिएक्सियल बेंडिंग, उसका डिज़ाइन स्टेप क्या क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट बोलता है, इफ़ कॉलम इच टू बी डिज़ाइन फॉर अ एक्सियल लोड, यानी हम पी यू के लिए डिज़ाइन करेंगे एंड बेंडिंग मोमेंट एम यू के लिए डिज़ाइन करेंगे। साइज ऑफ कॉलम शुड बी नोन, हमें साइज ऑफ कॉलम क्या रहेगा, गिवेन रहेगा। अगर रेक्टेंगुलर है तो बी इंटू डी होगा, अगर वो आपका सर्कुलर है तो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, अगर वो आपका स्क्वायर शेप का है तो बी इंटू बी। अब हमें अगला पॉइंट में क्या होगा, आपको गिवेन डेटा पता रहेगा, अब हमें निकालना है, यानी कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी यू बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी। ये आपका एरिया है, ये आपका एक्सियल लोड है। फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एम यू बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए, एस पर वैल्यू ऑफ पी यू बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी एंड एम यू बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर फ्रॉम द चार्ट एस पी 16। हम इसको कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, एस पी 16 चार्ट यूज़ कर रहे हैं, पब्लिश्ड बाई बी आई एस, यानी कि जो आपका बी आई एस इंडियन स्टैंडर्ड वो पब्लिश करता है एस पी 16 चार्ट। इन दोनों के वैल्यू के लिए हमें ये एस पी 16 चार्ट का ज़रूरत पड़ेगा। अब बात उठता है एस पी 16 चार्ट होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एस पी 16 चार्ट जो आपका होता है, देखिए जो हमने पी यू बाई एफ सी के इंटू बी डी की वैल्यू जो ली वो आपका यहाँ पे डिनोट करेगा, और ये जो हमने एम यू की वैल्यू ली है ये आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिनोट करेगा। ये एक चार्ट होता है, यहाँ पे आपका ये कर्व बना हुआ है, इस कर्व की भी कुछ वैल्यू होती है। ये आपका फॉर्मूला बनाता है पी बाई एफ सी के की वैल्यू, पी बाई एफ सी के, तो पी यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील, और एफ सी के आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है आपका कॉन्क्रीट का। अब ये जो चार्ट है एस पी 16 चार्ट, ये किस पर डिपेंड करता है, एफ वाई पर, यानी ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगा, डीडेक्स बाई डी पर डिपेंड करेगा, डीडेक्स क्या है आपका इफेक्टिव कवर है, और कैपिटल डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ कॉलम या फिर लार्ज डायमेंशन इन रेक्टेंगुलर कॉलम। अब हम आते हैं आई एस कोड में, आई एस 456:2000। यहाँ पे आपको आना है पेज नंबर 71 पर। पेज नंबर 71 में जब आप आएंगे तो आपके पास क्लॉज लिखा है 39.5 मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्सियल लोड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग। यहाँ पे आपको सारे टर्म यहाँ पे इस को आप एक बार आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, बस आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसके पर्पस से हमने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे बी आई एस का दिया एस पी 16 डिज़ाइन चार्ट, ठीक है, उसी को हमको फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं हमारा एस पी 16 चार्ट होता क्या है, थोड़ा सा हम इस वीडियो के माध्यम से भी समझते हैं।
ये है हमारा SP16 चार्ट। ये जो डिपेंड करता है, हमने आपको पहले बताया था ग्रेड ऑफ स्टील पे, फिर डीडेक्स बाय कैपिटल डी की वैल्यू पे। आप देखते जाइए कि अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग SP16 चार्ट आपको दिया रहता है। तो हम आपको इस वीडियो में केवल एक ही SP चार्ट आपको दिखाएंगे, PU बाई FCK इंटू डी स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके सर्कुलर के लिए, ये आपका वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल में आपका MU बाई FCK इंटू डी क्यूब, ये आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू है। अब आप इसको हम आपको जूम आउट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप इसमें देखेंगे कि ये बहुत सारे कर्व बना है। इस कर्व में आपको P/FCK की वैल्यू आपको डिनोट की हुई है, जो जीरो से चालू होता है और 0.02, 0.0 इसी तरह वेरी करते जाता है। तो P/FCK की वैल्यू से हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। तो ये आपका यूज़ होता है SP16 चार्ट का। तो ये जो आपको इस वीडियो में बस मैंने आपको सर्कुलर सेक्शन का आपको दिखाया है, जब आप SP16 चार्ट हायर करते हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, अलग अलग कॉलम का आपको मिल जाएगी चार्ट। ये SP16 चार्ट से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकला हमारा P/FCK। यहाँ पे P हमने आपको बताया परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, और FCK आपकी क्या है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो इस कर्व के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हमें P/FCK की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, जिसे हम यूनिट लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो P यहाँ पे, जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है FCK, ये यूनिट में जाके क्या करेगा, इंटू। तो पी इक्वल टू आपका हो जाएगा यूनिट इंटू FCK। तो यहाँ से आपको परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट मिल जाएगा कि उस कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए हमें कितना परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट चाहिए। जैसे हमने शॉर्ट एक्सेली कॉलम देखा था, उसमें हम 1% ऑफ स्टील लेते थे, किसका, ग्रॉस एरिया का। यहाँ पे लेकिन आप कैसे लेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे इस SP16 चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्टील। तो पी यानी परसेंट ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है AST/BD/100। तो यहाँ से हम AST की वैल्यू निकाल लेंगे, तो परसेंटेज ऑफ स्टील में एरिया ऑफ आपका सेक्शन अपॉन में आपका 100 करेंगे, तो आपका एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। अब अगला पॉइंट इसमें आता है स्टीरअप का। स्टीरअप मतलब आपका लेटरल टाइज इसको कहते हैं। इसमें दो प्रकार के स्टीरअप आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एक आपका होता है हुप रेनफोर्समेंट और दूसरा आपका होता है हेलिकल रेनफोर्समेंट। हमने हेलिकल रेनफोर्समेंट पहले के भी क्वेश्चंस में देख चुका है, हुप रेनफोर्समेंट हमारे लिए नया है। तो आइए देखते हैं इस दोनों को। अब देखिए, हुप रेनफोर्समेंट आपका बोलता है, इसमें भी आपको डायमीटर निकालना है और फिर स्पेसिंग। तो यहाँ का डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 × 5 मेन, जो आपका मेन बार में प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्टील, उसका जो डायमीटर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप 6 mm, इन दोनों वैल्यू को आप निकालेंगे। इन दोनों वैल्यू में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो आपका डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज होगा। फिर आपका बात करते हैं हम स्पेसिंग का। पहला आपका लिस्ट लेटरल डायमेंशन है, दूसरा आपका 16 टाइप ऑफ मेन डायमीटर है आपका, और तीसरा आपका 48 टाइम्स ऑफ टाइज बार का जो यहाँ पे डाया निकलेगा उसका आपका 48 टाइम्स है। तो इन तीनों में जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो आपका स्पेसिंग प्रोवाइड होगा। अब आपका हेलिकल रेनफोर्समेंट में बात करते हैं, तो इसमें डायमीटर ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको जो हमने फार्मूला लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 0.36 AG/AC − 1 FCK/FY, ये आपका छोटा होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है VH/VC से। इस फॉर्मूला से क्राइटेरिया हमको फुलफिल कराना है, उसके बाद यहाँ से आपको कोर का एरिया मिलेगा और वहाँ से आपको हेलिकल रेनफोर्समेंट आपको मिल जाएगा डाया। इसके बाद बात आता है इसका पिच, तो इसमें आपको मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच दोनों को ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम पिच के लिए भी दो कंडीशन है, पहला कंडीशन आपका 75 mm और सेकेंड कंडीशन है आपका DC का 6 भाग, ठीक है। इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी हम उसको मैक्सिमम पिच बोलेंगे। और मिनिमम पिच भी आता है, पहला आपको देता है 25 mm और दूसरा आपका है 3 times ऑफ हेलिकल डायमीटर, ठीक है। तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी हम उसी को लेंगे क्या, मिनिमम पिच। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।